हेलो दोस्तों, वेलकम टू किंग रिसर्च अकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। दो तीन दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक स्टॉक रिकमेंडेशन पे वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्या आप ऐसे और स्टॉक रिकमेंडेशंस चाहते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली कुणाल जी और साहिल जी की डिमांड पे है आप लोगों के लिए। आज भी मैं आप लोगों को एक ऐसा स्टॉक बताने वाली हूँ जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। उस स्टॉक का नाम आपने भी सुन रखा होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक FMCG बिजनेस है जिसमें आपको होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट्स जैसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे कंट्री में आपको मिल जाएगी। जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो है 2425। यहाँ पे जो सबसे मेजर दो प्लस पॉइंट देखे गए हैं, सबसे मेजर ये है कि इनका प्लेज परसेंटेज और साथ में डेप्ट टू इक्विटी दोनों ही जीरो है और इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 118 है, दैट इज मोर देन इनफ। अब इनके कुछ अगर हम प्रोस की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि इनका जो डेप्ट टू इक्विटी है वो ऑलमोस्ट जीरो है, यानी डेप्ट फ्री कंपनी है। पिछले 3 सालों से एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE को मेंटेन कर रही है 48.81%, साथ ही एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट को मेंटेन कर रही है 95.52% का। उसके बाद अगर इनका फाइनेंशियल्स अगर आप देखें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये ब्लू चिप कंपनी है तो हम तो जानते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर भी आइए इनके पिछले 3 सालों के नेट प्रॉफिट को कंपेयर कर लेते हैं। मार्च 2019 में इनका नेट प्रॉफिट था 6,054 करोड़ का, 2020 में हो गया 6,748 करोड़, यानी इंक्रीमेंट दिखाया है कंपनी ने। अगेन 2021 में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखेगा, दैट इज ऑफ 7,995 करोड़। EPS भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, 2019 में 27.97, 2020 में 31.17, उसके बाद 2021 में अगेन 34.0 थी, यानी आपको फाइनेंशियल्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। टोटल एसेट्स अगर आप बैलेंस शीट में देखें तो अगेन पिछले 3 सालों में काफी ज्यादा जंप लिया है और एसेट्स को अपने इंक्रीज किया है। 2020 में 20,153 के टोटल एसेट्स हैं इनके। 2021 में काफी तेजी से इन्होंने छलांग मार के अपने टोटल एसेट्स को कर लिया है 68,740 करोड़। अगेन इस साल इन्होंने फिर सेप्टेम्बर में अपने एसेट्स को बढ़ाए हैं 69,376, यानी आपको नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा, आपको यहाँ पे EPS भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, साथ ही इन्होंने अपने एसेट्स को भी इंक्रीज़ किया है। अगर बात करें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो FIIs और DIIs दोनों ने ही अपने शेयर्स को इंक्रीज़ किया है। FIIs के शेयर मार्च 2020 में 12.10 थे, अब सितंबर 2021 में इनके शेयर इंक्रीज होके हो गए हैं 15.45। DIIs की भी सेम कंडीशन है, मार्च 2020 में उनके शेयर 6.67 के आसपास थे, सितंबर 2021 का डेटा कहता है कि अब इनके शेयर 10.48 है। यानी अगेन ये एक मेजर रिसर्च हमारी इस रिसर्च का एक मेजर पार्ट है। जैसा हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि अगर FIIs, DIIs या प्रमोटर्स में से कोई भी अपने शेयर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारे लिए फिर से सोचने वाली बात हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ी होगी कंपनी में कि प्रमोटर्स या फिर FIIs और DIIs अपने शेयर्स को कम कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, अब आइए ये जानते हैं कि कहाँ पे इसे बाय कर सकते हैं। तो एज वी कैन सी ऑन स्क्रीन हमें HUL का चार्ट नजर आ रहा है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, मार्क हमने ऑलरेडी कर रखा है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे बाय करें, तो आपको हर बार एक राइज के बाद एक फॉल नजर आ रहा होगा, तो जब भी ये डिप पे जा रहा है यू कैन बाय ऑन डिप। अब आप हमें बताइए क्या आपको ये रिसर्च पसंद आई और क्या आप HUL को अपने शेयर होल्डिंग में और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले हैं। हम आपसे मिलेंगे फिर से काफी सारी मजेदार स्ट्रैटेजीज और स्टॉक रिकमेंडेशंस के साथ। थैंक यू।